एक्सरसाइज 7.3 मश्क नंबर 7 शरिया 3। पहला सवाल ये कह रहा है कि करीब तरीन रूबी जाविये लिखे जिन दरमियान मंजिल जाविये हों। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल्स लाई, बिटवीन विच द एंगल लाई। सवाल ये कह रहा है कि राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, करीब तरीन रूबी जाविये लिखिए जिनके दरमियान मंजिल जाविये। तो पहला ये 70 हमें दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि ये इसके करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल्स या रूबी जाविये कौन से। तो ज़रा देख लें इसको, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर ये वर्टिकल वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, जहाँ पर ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटते हैं तो ये ओरिजिन। ये ज़ीरो एंगल है, ये हमारे पास 90 है या पाई बाई टू, यहाँ से तक ये एंगल है हमारे पास 180, ये यहाँ पर 180 है, यानी यहाँ से ज़्यादा 180 या जिसको पाई रेडियन भी कहते हैं। इस तरफ आएंगे तो ये 270 एंगल, यानी इसको हम कह सकते हैं 3π/2, और दोबारा एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये 2π या 360। तो ये जो एंगल्स हैं वो एंगल जिनका टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई करता हूँ उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो ज़ीरो यहाँ पर लाई करता है, 90 का इनिशियल आर्म यहाँ पर है, टर्मिनल आर्म यहाँ पर, तो ये 90 हमारे पास। तो वो एंगल जो ज़ीरो और 90 के दरमियान वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या आप कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर देखा 70 यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर ये 70, तो 70 लाइज बिटवीन 0 and 90। तो यही इन दोनों का करीब तरीन एंगल्स है, क्वाड्रेंटल एंगल। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। कौन कौन से, 0 और 90, 0 डिग्री 90 डिग्री। ये तो रूल ऑफ थंब, जो एंगल जिस क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान लाई कर तो वही उनका करीब तरीन है। तो जो एंगल जिस क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान लाई करता हो वही दोनों एंगल उनके क्वाड्रेंटल एंगल उसके करीब तरीन क्वाड्रेंटल होंगे। तो 70 लाई करता है 0 और 90 के दरमियान, यानी 70 एक ऐसा एंगल है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो यहाँ पर लाई करता है। तो क्वाड्रेंटल एंगल जो इनके करीब तरीन है वो 0 और 90 है। तो ये हमने लिख लिया क्लोजेस्ट ट्राइंगल क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल्स आर 90 एंड। अगला देख ले, अगला है 120। देखिए कोई एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो वो यहाँ पर लाई करेगा, वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 एंगल और 180 से छोटा हो वो यहाँ पर लाई करेगा, यानी ये इन दोनों का क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पर कौन सा एंगल है जो 180 और 270 के दरमियान, तो एनी एंगल दैट लाइज दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड स्मॉलर देन 270 दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों के क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। यहाँ पर तो वो एंगल जो 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो वो यहाँ पर लाई करके, यानी ये दोनों इनके क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देख लें 120 कहाँ पर लाई करेगा, 120 लाइज हेयर, ये यहाँ पर होगा एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, चूंकि 120 लाई करता है 90 और 180 के बीच, तो इस वजह से इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होंगे, 90 एंड 180। बात क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वाड्रेंटल एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो चूंकि ये माइनस है तो इस वजह से इसके लिए हम जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनको भी हम माइनस में लेंगे, यानी क्लॉकवाइज पे जब आप जाएंगे तो ये ज़ीरो, यहाँ पर ये माइनस 90 होगा, माइनस 90 यानी माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर माइनस 180, यहाँ पर माइनस 270, और अगेन जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 360। तो दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू गो क्लॉकवाइज। तो अब माइनस 210 देखें, इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, समवेयर हेयर, जब आप यहाँ से सरफ आओगे यहाँ पर ये माइनस 210, तो आप देख रहे हैं कि ये लाई कर रहा है माइनस 180 और 270 के दरमियान, माइनस 180 और 270 के दरमियान माइनस 210 लाई कर रहा है, तो यही दोनों इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो जॉब में क्या लिखेंगे, माइनस 180 माइनस 270, ये चीज़ ठीक है। अब ये सवाल देख ले, 230 क्या है, 230 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो 230 विल लाई समवेयर हियर, यहाँ पर ये होगा 230, तो द टर्मिनल साइड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो 230 इन दोनों क्वाड्रेंटल एंगल के बीच लाई करता है, तो इस वजह से इसका क्वाड्रेंटल एंगल क्या होगा, तो इस वजह से चूंकि 230 लाई करता है 180 और 270 के दरमियान, तो ये दोनों इसके क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, 180 270, ये 330, इसको आप देख लें। तो इसका क्वाड्रेंटल एंगल क्या कहाँ पर होगा, 330 270 और 360 के दरमियान, यानी यहाँ से अगर आप इस तरफ आए समवेयर हेयर, समवेयर हेयर दैट विल लाइज, दैट विल लाई, तो 330 ये लाई करता है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरफ आ जाए तो ये 330 लाई करेगा कहाँ पर, यहाँ पर, जो कि 270 और 360 के दरमियान यहाँ पर, तो जो भी एंगल जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉजिटिव एंगल, उसका जो क्वाड्रेंटल एंगल होगा वो 270 और 360 होगा, तो इस वजह से इसका 360 का जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है वो है 270 और 360, ये चीज़।